hi, today is 22nd of january 2020. today we are going to discuss all these topics from the hindu. first, national population register. second, census data online. third is national green tribunal. fourth is money app by rbi. fifth is prahari. sixth is about gig economy. seventh is about three capitals of andhra pradesh. eighth would be coronavirus. ninth would be ppp, public-private partnership in railways. 10th would be Hawaii telescope. 11th would be about Kashmiri Pandits, Then we'll discuss about electoral bonds. Pakistan is changing, India and Brazil, Nepal, KP Sharma, Kalapani territorial issue. We'll discuss about Lok Sabha, Speaker Powers, Trump impeachment, World Economy Forum, and Jomato to Baez Uber Eat and FMCG sector is slowing down by Nielsen. We'll discuss all these 20 points in next 20 to 30 minutes. फर्स्ट पॉइंट इन एन पी आर फॉर्म में बी ड्रॉप्ड पासवर्न जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसमें इंडिया में रहने वाले हर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड लिया जाता है जो प्लस माइनस सिक्स मंथ से इंडिया में रहना चाहता है ना इसमें कुछ इशूज ये आ रहे थे कि जो डेट ऑफ बर्थ पेरेंट्स का भी इस फॉर्म में पूछा गया था उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए सो so, गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि दैट डेटा वुड नॉट बी आस्ड नाउ नाउ एन पी आर इज़ बेसिकली फॉर पॉपुलेशन एन आर सी इज़ फॉर सिटीजनशिप आधार एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होता है ये ट्वेल्व डिजिट्स का होता है इसमें आयरिस फेशियल और फिंगरप्रिंट्स डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट सेंसस स्टार्ट हुआ था 1881 में ये हर दस साल में होता है इसका डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है और जो 2011 था उसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा भी कलेक्ट किया गया था नाउ लुक एट दिस हेडलाइन रेस्पोंडेंट्स कैन फिल इन सेंसस डेटा ऑनलाइन इधर सेल्फ एनोम्रेशन ऑप्शन रहेगा ये फर्स्ट फेज में नहीं रहेगा ये अवेलेबल होगा आपको सेकेंड फेज में सी लेटस नो अबाउट सेंसस 1872 में लॉर्ड मायो ने इसे किया था ये हर 10 इयर्स में होता है एटीन वन में फर्स्ट सेंसस हुआ था ये कौन कंडक्ट कराता है इट इज़ कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये अभी जो होगा वो सिक्सटीन सेंसस होगा टू का अब इसका जो सेकेंड फेज होगा उसमें जो पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स हैं उनको सेल्फ इनोम्रेशन का ऑप्शन है मीन्स एक एप्लीकेशन आएगा उस एप्लीकेशन में आप अपने डिटेल्स एंट्री कर दो और जब डेटा कलेक्ट करने आपके घर पे जब ऑफिशियल्स आएंगे यू जस्ट हैव टू शेयर योर रेफरेंस नंबर इससे प्रोसेस काफ़ी स्पीडअप हो जाएगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है अब ये जो सेंसस का डेटा होता है ना ये डिफरेंट कैसे है बाकी सब एन और एन से तो जो सेंसस का डेटा होता है इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं लाइक आपके क्या एल है या नहीं है रेडियो ट्रांजिस्टर टेली टेलीविज़न इंटरनेट ये जो डेटा होता है ये 1948 एक्ट के अंदर दिस डेटा इज कॉन्फिडेंशियल इसे कोई शेयर नहीं कर सकता अगर कोई शेयर करेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल तो उस पर पेनल्टी लगेगी नाउ सो दिस इज पेज नंबर वन नाउ दिस इज पेज नंबर टू दिस इज अबाउट रिमूव एनक्रोचमेंट एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल मतलब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ केसेस को डील करेगा ये एन जी टी एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में लॉन्च हुआ था नाउ ट्राइब्यूनल मतलब होता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें आर्टिकल फोर्टी एट ए बोलता है कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और ये जो एन जी टी एक्ट टू थाउजेंड एंड टेन आया था वो इसी फोर्टी एट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए है अब इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो होती है दिल्ली में और जो रीजनल बेंचेज हैं वो हैं पुणे भोपाल चेन्नई एंड कोलकाता इसका जो चेयरमैन होता है एन का वो होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो दिस इज पेज नंबर थ्री दिस इज पेज नंबर फोर एंड दिस इज़ पेज नंबर फाइव लुक एट दिस एडवर्टाइजमेंट two easy steps for visually impaired persons to identify the denomination of a currency note. Denomination मतलब ये 50 रुपी का है, या 20 रुपी का है, या 100 रुपी का है, या 1000, 2000 रुपीस के हैं। ये जो app work करेगा, ये महात्मा गांधी series of bank notes पे work करेगा। Money app इसका नाम है। Money का full form क्या है? Mobile aided note identifier. This is money. ये हिंदी इंग्लिश में काम करेगा ये ऑफलाइन भी वर्क करेगा ये आई और एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है गांधी जी के जो सीरीज़ के नोट्स हैं ये उसके लिए है वर्क करेगा ये बेसिकली एक इसका पर्पज़ है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि ये जो नोट है ये किस डिनोमिनेशन का है ये प्रहरी ऐप है ये दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है इस प्रहरी ऐप में इनका पर्पज़ है टू सेंसिटाइज सिक्योरिटी गार्ड्स ये जो चौकीदार होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं इनको भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है तो ये प्रहरी ऐप प्रहरी, प्रहरी, प्रहरी स्कीम है टू सेंसिटाइज दीज सिक्योरिटी गार्ड्स सो दिस इज पेज नंबर फाइव नाउ दिस इज़ पेज नंबर सिक्स एंड दिस इज पेज नंबर सेवन द इमर्जिंग फेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इधर गिग इकोनॉमी की बात किया है गिग इकोनॉमी क्या होती है जैसे लेबर मार्केट है ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क होता है फ्री की तरह आप वर्क करते हो जैसे स्विगी अमेज़ोन में जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं डिलीवरी पर्सनस होते हैं वो काम करते हैं इन गिग इकोनॉमी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वर्कर्स भी फ्री की तरह काम करते हैं वो क्या होता है वो गिग इकोनॉमी होता है गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जितना आपके पास वर्क आ रहा है और उस वर्क को आप डिलीवर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवर कर रहे हो एंड दैट्स इट तो इससे क्या होता है इससे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है स्पीडअप आ जाता है जो कंपनीज हैं वो इजीली किसी को भी हायर कर सकती है अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट और उतना ही इजीली उससे फिर बॉन्डेड नहीं रहेगी एज अ परमानेंट वर्कर उससे बॉन्डेड नहीं रहेगी सो दिस हेल्प्स बोथ कंपनीज एंड वर्कर्स अब प्रॉब्लम क्या आती है ये अनरेगुलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड नहीं होता है इसमें पीएफ नहीं होता है इसमें ईपीएफ का प्रोविजन नहीं होता है अगर ऑल ऑफ अ सडन वर्क आना बंद हो गया तो ये जो फ्री लांसर हैं ये क्या करेंगे सो दिस इज दिज आर सम ऑफ द इशूज जो गिग इकोनॉमी में होती है गिग इकोनॉमी में नेटवर्किंग इज़ वेरी असेंशियल टू गेट गुड असाइनमेंट द आइडिया इज़ नॉट टू सप्रेस दिस गिग इकोनॉमी द आइडिया इज टू मेक इट मोर कन्वीनियंट और इसको रेगुलराइज करना ज्यादा जरूरी है अभी सो दिस इज पेज नंबर सेवन दिस इज पेज नंबर एट ये है तीन कैपिटल बिल पास हुआ है आंध्र प्रदेश में लजिस्लेटिव काउंसिल में लजिस्लेटिव असेंबली नहीं है ये लजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ की विधान परिषद नाउ जो आंध्र प्रदेश है इसमें तीन कैपिटल बनाने की बात चल रही है जो अमरावती होगी वो लजिस्लेटिव होगी विशाखापटनम होगी एग्जीक्यूटिव और कुरनूल होगी जुडिशियल हैदराबाद जब अलग हुआ था तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में तब आंध्र प्रदेश अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा था अमरावती में बट गवर्नमेंट चेंज हुई न्यू गवर्नमेंट बोलती है हम इंस्टेड ऑफ हैविंग वन कैपिटल एट अमरावती वी वुड बी हैविंग थ्री कैपिटल्स इसका काफ़ी ओपोजिशन भी हो रहा है नाउ दिस इज़ अबाउट कोरोना वायरस हैव यू हर्ड डीज नेम सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये जो है ना ये वायरस करते हैं नमोनिया को कोल्ड लाइक कंडीशन होती है ये जो वायरस थे ये आते थे बैट्स और कैमल्स में इनमें काफ़ी कॉमन है अब ये जो वायरस जो बैट्स और कैमल्स में होते हैं अगर ये इवॉल्व हो जाते हैं तो ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं जैसा कि सार्स और मर्स में हुआ था तो जो ये कोरोना वायरस है दिस इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग लाइक दैट यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली ऐसा हम बिलीव कर रहे हैं कि ये सी फूड के इंटेक से आया है ये चाइना में तीन प्रोविंस हैं वुहान झेजियांग और ग्वांगडोंग यहाँ पे इसके केसेस आए हैं मिनिस्ट्री सीक्स डिटेल्स ऑफ ट्रेवलर्स फ्रॉम वुहान अब बिकॉज ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है तो ये जो ट्रैवलर्स हैं दे आर बिग कॉज ऑफ वरी बिकॉज अभी चाइना में ट्वेंटी फोर्थ जनवरी को लूनर सोलर ईयर भी आने वाला है इसमें बहुत सारे लोग गैदर होंगे इंटरेक्शन होगा तो इट इज़ पॉसिबल कि ये वायरस बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड आउटब्रेक हो सकता है इसका मास स्केल स्प्रेड हो सकता है बट फॉर टाइम बिंग जो डब्ल्यू एच ओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने कहा है कि इट इज़ नॉट येट डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न अभी इसे डिक्लेयर नहीं किया है सी ऑल दीज ये जो वायरस आउटब्रेक होते हैं ना इसमें अगर हम छोटी छोटी प्रिकॉशंस रखें लाइक वी कीप हाइजीन हाइजीन इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंस वॉश अव योर हैंड्स वॉश योर फूड क्लीन एंड बासी खाना नहीं खाना है आपको जब आप स्नीज कर रहे हो देन कवर योर फेस अगर ये छोटी छोटी बातें हम फॉलो करें ना तो सच टाइप ऑफ एपिडेमिक को हम इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं नाउ दिस इज अबाउट इट विल टेक डिकेड्स टू कंप्लीट रेल प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ने कहा है पीपीपी क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना ये बहुत बड़े होते हैं ह्यूज होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और इनका बहुत बड़ा गेस्टेशन पीरियड होता है दस साल पंद्रह साल ऐसा टाइम लगता है इनको बिल्ड करने में इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बेटर होता है एफिशिएंसी ज़्यादा होती है स्पीड से काम कर सकते हैं वो तो गवर्नमेंट थिंक्स कि हमें पब्लिक एंड प्राइवेट की पार्टनरशिप करनी चाहिए इसके लिए गवर्नमेंट इन दोनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि किसका रोल कितना होगा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मॉडल्स बनाती है फॉर एग्जाम्पल बिल्ट ऑपरेट बिल्ट ओन ट्रांसफ़र मॉडल होता है बी ओ ओ बिल्ड ओन ऑपरेट बी ओ एल टी बिल्ड ओन लीज एंड ट्रांसफ़र एल डी ओ होता है लीज डेवलपमेंट ऑपरेट ओ एम टी इज ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर दीज टाइप ऑफ मॉडल्स आर बेस्ड अपॉन द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रोल टेकन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट जो रेलवेज बोल रही है वो बोल रही है कि हमें पीपीपी पार्टनरशिप इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ये नेसेसरी नेसेसिटी हो गई है इन रेलवेज में अब रेलवेज कुछ काम भी कर रही है जैसे तेजस प्राइवेट ट्रेन रन हो रही हैं हबीबगंज स्टेशन टाइप स्टेशन है इनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल है काफ़ी इम्पोर्टेंट सो द आइडिया इज नॉट टू प्राइवेटाइज द रेलवेज बट टू इंक्लूड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इट्स ऑपरेशन नाउ दिस इज इंडिया को बिल्ड ऑफ हवाई टेलीस्कोप टेलीस्कोप मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप होती है ये जो टेलीस्कोप है स्पेस टेलीस्कोप ये स्पेस को वॉच करने में हेल्प होता है ये एक ऐसी टेलीस्कोप बना रहे थे हवाई में हवाई यूएस का पार्ट है ग्रुप ऑफ आइलैंड है मोना किया में मोना किया वॉल्केकैनिक आइलैंड भी है यहाँ कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप है इसको शिफ्ट करने की बात हो रही है और इंडिया ने कहा है कि दे आर ओके विद डैट मीन इंडिया एक जॉइंट एशिया ऑब्जर्वेटरी बनाने का भी प्रिलिमिनरी टॉक कर रहा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग नाउ अब हम बात करते हैं एडिटोरियल दिस इज अबाउट थर्टी ईयर्स ऑन स्टिल नो स्प्रिंग फॉर द पंडित ये लिखा है अमिताभ मट्टू में ही इज ऑल्सो अ कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित का आप देखो दे हैव डन सो वेल इन डिफरेंट स्पीय ऑफ लाइफ बट नाइनटीन नाइनटीज में इनके साथ काफी बुरा हुआ था नाइनटीन नाइन्टीज में एक्चुअली क्या हुआ 1990 में कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली में इनकी पॉपुलेशन थी अराउंड फाइव लैक पीपल थे 2020 में आज की डेट में वहाँ पे केवल 2000 थाउजेंड पॉपुलेशन बची है इतने सारे लोगों का क्या हुआ दे वर फोर्स टू गो अवे नाउ इसका रीजन क्या था वहाँ पे रेडिकलाइजेशन बहुत हो गया कश्मीर में नाइनटीन का जो टाइम था ना इसी टाइम पे जिहादी वॉर अपने टॉप पे चल रहा था जिहादी क्या करते थे इनको यूएस ने ग्रूम किया था जिहादी वॉर वॉरियर्स को यूएस ने इन्हें ग्रूम किया था टू फाइट विद यूएसएसआर अब यूएसएसआर डिफीट हो गया नाइन्टीज़ में अब ये फ्री हो गए तो इन्होंने अपना सारा अटेंशन डाइवर्ट कर लिया कश्मीर वैली में और तभी से कश्मीर इसके पहले आज जैसा नहीं था कश्मीर में तब ये रेडिकलाइजेशन स्टार्ट हुआ टेररिज्म स्टार्ट हुआ और ये जो कश्मीरी पंडित हैं दे वर फोर्स टू फ्ली अवे नाउ कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो गई आफ्टर दिस अब ये जो कश्मीरी हैं इधर अमिताभ मट्टू ने एक कमेंट्री दिया है कि उनको कश्मीर से बाहर जाने के बाद दे मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर डूइंग वेरी वेल बट स्टिल दे टू टू गो बैक होमलैंड इन अ डिग्निफाइड मैनर नाउ दिस इज अबाउट पेज नंबर दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल रिटर्न ऑफ बॉन्ड्स ये बात किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए थे कि जो पार्टीज में डोनेशंस आते हैं वो डोनेशन होने चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में ताकि उसका एक रिकॉर्ड किया जा सके और उसमें हमें मनी लॉन्ड्रिंग या अनफेयर प्रैक्टिस नहीं हो बट ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई ने फॉर टाइमबिंग इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिया है नाउ व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड सी ये एक प्रोमिसरी नोट्स के जैसे होते हैं ये इंडियन सिटीजन या कंपनी ही परचेस कर सकती है फॉरनर्स नहीं ले सकते हैं एस बी ब्रांच से ही मिलेंगे दूसरे ब्रांच से नहीं मिलेंगे इनका परपज क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का परपज है टू मेक डोनेशन टू पार्टी कौन सी पार्टी जो 29 ए आर में रजिस्टर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ए आर्टिकल इन बॉन्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ये बैंक नोट्स के जैसे हैं इनका डिनोमिनेशन क्या है लाइक वन थाउजेंड रुपी टेन थाउजेंड रुपी वन लैक एंड वन करोड़ इस डिनोमिनेशन में ये बॉन्ड्स आप परचेज कर सकते हो आपको के वाई होना पड़ेगा नो योर कस्टमर और इनकी वैलिडिटी केवल पंद्रह दिन होगी कब खरीद सकते हो ये हर क्वार्टर में फर्स्ट टेन डेज में अवेलेबल होते हैं लाइक इन जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर इन चार महीने में पहले दस दिन इनकी सेल्स विंडो ओपन होती है अब इधर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका इस्तेमाल हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए बहुत सारी शेल कंपनीज बन जाती हैं फॉर द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल डोनेशन एंड नो अदर बिजनेस मस्ट डिक्लेयर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इन दियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स वुड कॉम्प्रोमाइज ट्रांसपेरेंसी एंड द अमेंडमेंट टू द लॉ ऑन फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन वुड मीन दैट देयर वुड बी अनचेक्ड फॉरन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें क्या होता है डोनर का नेम नहीं होता तो इसका लूप होल का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं दिस इज़ अ मैटर क्राइम फॉर एन अर्ली एंड एक्सपीडिशियस डिसीजन दिस इज वॉट द वी वॉन्ट टू डे ना दिस इज अबाउट सेम कंट्री डिफरेंट स्क्रिप्ट जो पाकिस्तान है वो चेंज हो रहा है रावलपिंडी में रहती है आर्मी और इस्लामाबाद में रहती है सिविल गवर्नमेंट और तीसरी गवर्नमेंट होती है पाकिस्तान में वो होती है रिलीजियस गवर्नमेंट अब ये तीनों गवर्नमेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाती है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तान में भी अब सिविल सोसाइटी इवन आर्मी एंड जो गवर्नमेंट है दे आर दे वॉन्ट अ गुड रिलेशन विद इंडिया इफ़ नॉट गुड दे वॉन्ट टू नॉर्मलाइज द रिलेशन रेडिकलाइजेशन मीन वाइल ऑथर ने कहा है कि वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है इन्होंने दो बात और बोली है जो सी है और कश्मीर इशू है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और कश्मीर इशू इसमें both the military government and the civil government have showed interest that they want to solve this issue okay so this is page number 11 this is about data point abhi last some time se iran kafi news mein hai because of us action GENERAL सुलेमानी का असैसिनेशन किया था इन इराक में GENERAL सुलेमानी कूद फोर्स के कमांडर थे NOW जो विदर ईरान इंडिया ट्रेड इंडिया और ईरान है ना ये दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है ये इट्स एन एशियन कंट्री परशिया जो सिविलाइजेशन है वो ईरान से ही आई है इंडिया सिविलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी ओल्ड और इन दोनों के हिस्टोरिकली ट्रेड रिलेशंस रहे हैं सो यह डेटा पॉइंट में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि वॉट वी इम्पोर्ट फ्राम ईरान हम ईरान को क्या एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट की हिस्ट्री क्या है एक्सपोर्ट की हिस्ट्री क्या है वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर बी द ग्लोबल पॉलिटिक्स वी नीड टू हैव अ गुड एंड इंडिपेंडेंट रिलेशन विद डी कंट्रीज ईरान में इंडिया जो एक चाहबहार पोर्ट है वहां पर भी काफी डेवलपमेंट कर रहा है चाहबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान जा सकते हैं सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप अ गुड रिलेशन विद ईरान ना दिस इज अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील ब्राज़ील के ये प्रेसिडेंट है इनका नाम है जायर बोल्सेनारो ये चीफ गेस्ट होंगे सेवेंटी फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड में ब्राज़ील इज़ अगेन अ बिग बिगेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और ब्राज़ील और इंडिया में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं ये भी डेवलपिंग कंट्री है ब्राज़ील भी ब्रिक्स का पार्ट है इंडिया भी ब्रिक्स का पार्ट है डेमोग्राफी इसकी भी यंग कंट्री है अर्ज इज ऑल्सो अ यंग कंट्री सो दैट इज़ वाई हमें और ब्राज़ील को इंडिया एंड ब्राज़ील नीड्स टू कम टुगेदर एंड वर्क फॉरवर्ड अब यहाँ पे हम साइन करने वाले हैं बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, टी बी आई टी जब ये जायर बोलसन और इंडिया में आएंगे दी आइडिया इज़ टू इंक्रीज ट्रेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट इम्प्रूव करने हैं सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू नाउ दिस इज अबाउट नेपाल ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली अभी एक कालापानी एरिया है कालापानी टेरिटोरियल इशू आया है ये उत्तराखंड में है इंडिया ने अभी एक मैप रिलीज़ किया और इस कालापानी को उन्होंने इंडिया में इंक्लूड किया था इस बात से जो नेपाल है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया बट दे आर सेम विल सॉल्व दिस इशू इन अ इन अ कॉर्डियल मैनर नाउ सुप्रीम कोर्ट फॉर कर्ब्स ऑन पावर ऑफ स्पीकर स्पीकर क्या होते हैं ये जो लोकसभा होती है ना इसके जो हेड होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पीकर इनका इलेक्शन होता है पहले प्रोटेम स्पीकर बनते हैं फिर जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो आपस में वोट करके इन स्पीकर को इलेक्ट करते हैं अब कोई भी एक पार्टी है अगर एक बंदा इस पार्टी से चुनाव लड़के आया है वो इस पार्टी की बात नहीं मानेगा तो पार्टी उसको आउट कर सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये 1985 में आया था अब ये जो डिसीज़न होता है ना एंटी डिफेक्शन लॉ का ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि ये स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पे होता है अब स्पीकर को कई बार इतना नॉलेज होता नहीं है लीगल थिंग्स एंड ऑल तो ऑल दो ये जो डिसीज़न है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लिया है कि वेदर इट इज़ गुड टू प्रोवाइड दिस एंटी डिफेक्शन पावर जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो स्पीकर को देना करेक्ट है या नहीं है ये जो एंटी डिफेक्शन है ये टेंथ शेड्यूल में मैंशन है इंडिया के ये नाइनटीन में आया था आफ्टर सम अमेंडमेंट्स इसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में जो भी डिसीज़न है स्पीकर का सो दिस इज़ पेज नंबर ट्वेल्व नाउ दिस इज़ पेज नंबर थर्टीन दिस इज पेज नंबर फोर्टीन वर्ल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट ट्रायल बिगिन इम्पीचमेंट मतलब हटाना यूएस के फोर्टी फिफ्थ प्रेसिडेंट है इनका अभी इम्पीचमेंट हो रहा है ये जो इम्पीचमेंट है ये स्टार्ट हुआ है हाउस ऑफ रिपब्लिक में रीजन क्या है चार्जेस क्या लगे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर को यूज़ किया और यूक्रेन के हेड को बोला कि आप इन्वेस्टिगेट करो जो बिडेन के सन हंटर बिडेन का बिजनेस इन यूक्रेन अगर कुछ गलती होगी तो मैं उसको अपने पॉलिटिकल कैंपेन में यूज कर सकता हूँ नौ ये अगेंस्ट है प्रेसिडेंशियल इथोस के और इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इन्हें इम्पीचमेंट के लिए ट्रायल पास कर दिया था अब ये गया सेनेट में जो सेनेट है ना सेनेट में आपके टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए इस इम्पीचमेंट ट्रायल को पास होने के लिए और वहाँ पे होती है हंड्रेड सीट्स बिकॉज फिफ्टी स्टेट्स हैं हर स्टेट से दो बंदे आते हैं तो हंड्रेड सीट्स हैं सेनेट की अब सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं तो इम्पीचमेंट का कोई रिजल्ट आएगा नहीं बट ये पूरी प्रोसेस में कंडक्ट ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प वुड बी डिस्कस्ड इन द सेनेट सो दैट इज अगेन अ बिग थिंग नाउ दिस इज पेज नंबर एटीन डावोस डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्टार्ट हुई थी ये जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या होता है ये सारे बिजनेसमैन पॉलिटिशियन अकेडमिशियन सेलिब्रिटी इन सब को एक प्लेटफॉर्म देती है वहाँ पे सब लोग आते हैं और रीजनल ग्लोबल जो भी वर्ल्ड में हो रहा है रिलेटेड टू जेंडर रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड टू क्लाइमेट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स रिलेटेड टू इकोनमी रिलेटेड टू सोशल इशूज़ एनी जो वर्ल्ड में रीजनल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस की है वो ये सारे लुमिनरीज जाके वहाँ पर डिस्कशन करते हैं अब इससे क्या होता है इतने सारे अच्छे लोग अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो इसके आउटकम्स अच्छे आते हैं जिसको पूरी वर्ड नोट ऑफ दैट। पे ये ग्रेटा थनबर्ग भी आई हैं, ये एक्टिविस्ट है क्लाइमेट चेंज के लिए क्लास श्वावब, ये फाउंडर है इस जी के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के नौ दिस इज पेज नंबर फिफ्टीन जोमैटो ने ऊबर ईट्स को खरीद लिया है ये दोनों एग्रीगेटर हैं फूड डिलीवरी इनका एप्लीकेशन है ये ये भी एक example है गिग इकोनोमी का नाउ एफ एम सी जी ग्रोथ स्लोज टू सिंगल डिजिट इन टू थाउजेंड नाइनटीन नीलसन ने कहा स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे कंज्यूमेबल्स होते हैं फूड्स ड्रग्स टॉयलेटरीज और एनी एडिबल आइटम्स ये सब चीजें कहलाते हैं एफ एम सी जी सेक्टर अब इंडिया में एफ एम सी जी ग्रोथ है ये डिक्लाइन हो रही है इसका रीज़न क्या है पहला तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल इसके अलावा लैक ऑफ इनोवेशन इज ऑल्सो वन थिंग द सेकेंड थिंग इज रूरल डिमांड है रूरल डिमांड इज डिक्लाइनिंग ये जो सर्वे किया है ये नीलसन ने किया है नीलसन एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है सो दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टीन दिस इज़ पेज नंबर सिक्सटीन शोकेज दिस इज़ पेज नंबर सेवेंटीन शोकेज दिस इज पेज नंबर एटीन ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया मेंल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रंप इम्पीचमेंट स्पीकर लोकसभा पॉवर एंटी डिफेक्शन नेपाल कालापानी टेरिटोरियल इंडिया एंड ब्राजील जायर बोल्सोनारो पाकिस्तान इज चेंजिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स देन वी रेड अबाउट कश्मीरी पंडित We read about Hawaii Telescope, Public Private Partnership, Coronavirus, SARS, MERS, Wuhan, China, Three Capitals of Andhra, Gig Economy, Prahari, Money App by RBI, National Green Tribunal, Census Data Online, and National Population Register. So, thank you so much for watching today's video. Take care.